आसपास जैसे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 to 11 days रहते हैं, तो इन 10 to 11 days में हमें साइंस के कौन से टॉपिक्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करना है आज वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर तुम्हें इस चीज में डाउट है कि ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेक श्योर तुम जाके चैनल पर जाके वॉच आउट कर लो उन वीडियोस को। तो आज की बारी है साइंस की बारी। तो साइंस में जो सबसे फर्स्ट चीज है दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहां पे तुम्हें करना क्या है, बॉड और सारे हम लिख लेते पहले, वेव्स एंड ऑसिलेशन, साउंड। अब देखो इस पे वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। अब इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी और अगर मैग्नेटिज्म को ध्यान में रखते हैं ना, तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में जितनी सारी प्रॉपर्टीज है सब पढ़ लो। इलेक्ट्रिसिटी में जो तुम्हारा ओम्स लॉ है उसको पढ़ लो, मेटल्स नॉन मेटल्स इनकी कंडक्टिविटी किस रेंज में लाई करती है वो पढ़ लो, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूज वायर है वो कैसे वर्क करता है, रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हो, पैरेलल में कैसे निकालते हो, ये सारे न्यूमेरिकल्स इनके फॉर्मूले तुम्हारे बाय हार्ट होने चाहिए। ये मोस्ट ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं इसमें SI यूनिट तक के क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर तुम इन चीजों पर फोकस करो। तो रेजिस्टेंस है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या लेंथ इंक्रीज कर रहे हो या एरिया डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस में कैसा फर्क दिखेगा, ये सारे रिलेशन तुम्हें आने चाहिए। ओके, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, फ्यूज वायर, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये सारे डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं कि यार जो ओवरलोडिंग है वॉट इज ओवरलोडिंग, वॉट इज शॉर्ट सर्किट, और वो डेफिनेशन लिख देगा। तो जब तुम्हें अगर डेफिनेशन अच्छे से नहीं आएगी तो तुम टिक कैसे मार पाओगे, अगर तुम्हें उस चीज का एकदम मीनिंग ही नहीं मालूम तो कैसे टिक पर कर पाओगे, राइट? तो ये चीज है। मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म में तुम्हारा देखो मैग्नेटिज्म में बहुत सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट रूल्स है, लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कौन से रूल से किस चीज के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा कि अगर कोई कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे निकाल पाओगे, कौन सा रूल लगा के निकलेगा। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, कौन से रूल पे। वैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिमिलर जनरेटर के बारे में पूछेगा, जनरेटर है कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तुम्हारा डिस्टेंस और करंट से कैसे वेरी करता है। ये कुछ चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स को तुम पढ़ लेना। ओके, ये हो गया। ऑप्टिक्स में आएंगे तो ऑप्टिक्स में तुम्हें एकदम अच्छे से पढ़ लेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक। अब देखो यहाँ पे यार रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ लो अच्छे से, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते कैसे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, सबसे डेंसेस्ट तुम्हारा कौन सा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये सारी चीजें। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, एयर का होता है, ग्लास का होता है, क्राउन ग्लास का होता है, किसका होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में कैसे, जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर है वो किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कौन सा मिरर है जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको वर्चुअली रेक्ट इमेज दे दे, ऐसी कौन सी मिरर है तुम्हारी जो ऐसी इमेज है जो डिमिनिश्ड हो। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है तो, अगर मैग्निफिकेशन प्लस वन आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअली रेक्ट होगी, रियल इन्वर्टेड होगी या कैसी होगी। तो याद रहा है बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैग्निफिकेशन प्लस है तो कैसी इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन माइनस है तो कैसी इमेज बनती है। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ वो कैसा हो रहा है। देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, और रेडियो एक्टिविटी, वेव्स एंड ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी कैसी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी बनती है, कौन सी एनर्जी कब क्या जो भी, ठीक है, इसमें सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM लिख दो डायरेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका काइनेटिक, इसका पोटेंशियल एनर्जी,
राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेनी है साउंड के अंदर। यार साउंड के अंदर जो पिच है, क्वालिटी फैक्टर है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारा वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, पिच क्या होता है, साउंड क्वालिटी क्या है, सोनार क्या होता है। अगर तुम क्लास 9th पढ़ लोगे ना, अगर ऑलरेडी पढ़ लिया तो सिर्फ इसका ना अच्छे से रिविजन कर लेना, किस चीज़ का, लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सोनार, पिच, टिम्बर, साउंड क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर, ये सारी चीजें। ओके, फिजिक्स के ये टॉपिक्स तो तुम्हें एकदम अच्छे से करने ही करने हैं, फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लें। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक देखेंगे दैट इज बायोलॉजी, राइट। तो बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर ले, तो बायोलॉजी में तुम प्रिपेयर कर लो ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें यार, इसके अंदर कौन से टॉपिक हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये तो लिख दिया। अब याद रखना इसके अंदर तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले लिख देते, डाइजेस्टिव, या डाइजेस्टिव सिस्टम के इतने सारे क्वेश्चन आता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन कैसे है, वो पूछ लेता है कि जो तुम्हारा स्टमक है, स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तुम समझ रहे हो, ये सारी चीजें, कहा कौन से इसमें कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, कौन से एंजाइम का क्या रोल है, लाइक ट्रिप्सिन क्या काम कर रहा है, लाइपेज का क्या काम कर रहा है, पेप्सिन क्या काम कर रहा है, म्यूकस का क्या करता है, एचसीएल का क्या करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब तुम पढ़ रहे हो, सारे एंजाइम, सारे चीजें, कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट होने वाली है, लाइक जो तुम्हारा फैट्स है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कौन किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम एंजाइम्स रोल, सबके रोल, एंजाइम्स उनके रोल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंजाइम्स और रोल भूलना मत, क्योंकि यार ये है ना, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर बात करेंगे तो फिर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे यार सारी ये सारे नर्वस सिस्टम ये क्यों लिख रहे हैं, यार नर्वस सिस्टम में कौन से चीज है, लाइक तुम्हारा जो ब्रेन है, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन को कौन सा फ्लूइड बचा रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स है, जो तुम्हारा ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्मेल है वो कौन कर रहा है, जो तुम्हारा टेम्परेचर है, या जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है ब्रेन के, वो कौन कैरी आउट कर रहा है, बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन पे कौन फोकस करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन पे कौन वर्क कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कैरी आउट कर रहा है, तुम समझ रहे हो, ये सारी चीजें। एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल अबाउट तुम्हारे हॉर्मोन्स, ह्यूमन के अंदर जो हॉर्मोन्स है ना, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना तुम ग्लैंड उसके हार्मोन एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा क्वेश्चन को थ्रो करता ही करता है। तो ये टॉपिक्स तुम्हें प्रिपेयर करने करने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ब्लड तुम्हारा, ओके। इसके बाद अगर प्लांट फिजियोलॉजी लिख देंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी सेम ऐसी चीजें, तुम्हें पूरा पढ़ लेना है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लाइक तुम्हारा जाइलम हो गया, तुम्हारा फ्लोएम हो गया, तो कौन सी चीज किस चीज में इन्वॉल्व है, लाइक जाइलम क्या कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, किसका यूनिट डायरेक्शनल फ्लो है, किसका बाई डायरेक्शनल फ्लो है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है इसमें, एंडोस्मोसिस, रिवर, जो भी है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी में। तुम्हारे प्लांट के भी हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन्स जिसको तुम बुलाते हो फाइटो हार्मोन्स, या हम लिख देते हैं प्लांट हार्मोन्स, लाइक तुम्हें पढ़े होंगे राइट, जैसे जिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, ये जो चीजें हैं, एब्सिस लिख देते हैं अच्छे से, ऑक्सिन, कि यार अगर ये प्लांट हार्मोन्स है राइट, ये सारे तुम्हारे प्लांट हार्मोन्स है। अब इन प्लांट हार्मोन्स का क्या काम है, लाइक जो तुम्हारे प्लांट के विड्थ को कौन इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारे प्लांट के हाइट को कौन इंक्रीज कर रहा है, फ्रूट को पकाने में कौन हेल्प कर रहा है, लीव्स को गिराने में कौन हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें। ओके, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात है, ये प्लांट फिजियोलॉजी की बात है। ओके, आई होप तुमने इतना नोट डाउन कर ही लिया होगा। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है दैट इज सेल बायोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी की बात करेंगे, सेल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, मतलब सारे जो भी तुम्हारे सेल्युलर प्रोसेसेस हैं, सेल्युलर प्रोसेस, सेल ऑर्गेनेल्स,
यार कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ पे है, न्यूक्लियस, ये वो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जो भी, ठीक है, तो जो भी तुम्हारी चीज है ना वो सारी, सॉरी डीएनए तो उसका अलग पार्ट है, सेल बायोलॉजी, सेलुलर प्रोसेसेस, सेल ऑर्गेनेल, सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ओके। इसके बाद जो लास्ट से जाते ह्यूमन, ह्यूमन डिसीजेस, ह्यूमन डिसीजेस तो सब पढ़ लेना अच्छे से। अगर कोई डिसीज है, अगर कोई डिसीज हो रही है, वो डिसीज का कॉज क्या है, किस किस जो बैक्टीरिया, किस वायरस, किसकी वजह से हो रही है, ओके। ह्यूमन डिसीज अच्छे से पढ़ लेना पूरा, ये तुम्हारे बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट इसका नोट डाउन कर लो। केमिस्ट्री के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, कौन सा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर याद रखना है जो सॉल्ट वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सॉल्ट का कौन सा केमिकल फॉर्मूला है, कौन से सॉल्ट के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, कौन सा सॉल्ट कौन सी चीज को कैरी आउट करने में तुम्हारा हेल्प कर रहा है। और एक चीज, एसिड से बात करोगे तो वो डायरेक्ट पूछते हैं यार कौन सी चीज में, लाइक टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एंड स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तुम्हारे एसिड्स भी ना तुम्हारे क्लियर होने चाहिए एकदम अच्छे से, ओके। सॉल्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ लेना, जैसे पीओपी है, उसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये सारी चीजें। इसके अलावा तुम्हें पढ़ना है अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल मतलब जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है, जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स है, और जो एकदम लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स है, वो नेचर के अंदर किस स्टेट में, किस नेचर में, किस स्टेट में वो फाइंड हो रहे हैं, उनको हम कैसे, वो कैसे पाए जा रहे हैं, ओके। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, और इनका एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली जो तुम्हारा रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये प्रोसेस कब टेक प्लेस करते हैं, जो कोई अगर तुम्हारा ऑक्साइड्स वो है राइट, उसको कैसे तुम रिड्यूस करोगे, सिंपल हीटिंग से करोगे, अगर वो उसके सल्फाइड के फॉर्मेट में, तुम उसको रोस्टिंग करोगे, तुम उसको कैल्सिनेशन करोगे, रोस्टिंग में मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर लगता है, या ऐसे एकदम कितना भी अमाउंट ऑफ एयर लग सकता है, कैल्सिनेशन में सफिशियंट अमाउंट लगता है या अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर लगता है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ओके। अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो डायरेक्ट पूछते हैं कि यार ये जो इनर्ट गैस है वो कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, जो ट्रेंड है इसके अंदर ट्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना, ट्रेंड्स कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कर लेना, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ना तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ रही होगी एकदम अच्छे से, राइट। इसके अलावा जो तुम्हें पढ़ना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सारे केमिकल लॉस, सारे केमिकल लॉस पढ़ लेना एक बार, लास्ट बार रिवाइज कर लेना इन सारी चीजों को, क्योंकि इसके बाद तो मेहनत करनी नहीं है, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी हर एक टाइम पे, बट मेक श्योर तुम केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हारा एकदम अच्छे से प्रिपरेशन रिविजन सब 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाए। होप लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।